तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे, रेलवे यहाँ पर आरपीएफ नई भर्ती निकल चुकी है, इसके बारे में आपको बताएंगे, जिसमें आपको भर्ती के साथ आपको कांस्टेबल अब यहाँ पर सब इंस्पेक्टर की भर्ती आपको देखने को मिलेगा। साथ ही आपको बताएंगे योग्यता इसमें क्या रखी गई है, और उसके साथ साथ आपको बताने वाले हैं आयु की यहाँ पर सीमा क्या रखी गई है। आपको यहाँ पर 40,000 यहाँ पर देख सकते हैं, सॉरी यहाँ पर 4,660 पदों की यहाँ पर भर्ती होने वाली है। साथ ही यहाँ पर सिलेबस चलने की प्रक्रिया पूरी ए टू जेड आपको जानकारी मिलने वाली है इस वीडियो के माध्यम से। और आपको बता दें यहाँ पर इस चैनल पर जो भी हैं सरकारी योजनाएं हैं, पर सरकारी वैकेंसी होती है, उस तरह से हम वीडियो बनाते हैं। प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो को यहाँ पर कर लेते हैं हम स्टार्ट। तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं आरपीएफ भर्ती यहाँ पर देख सकते हैं 2024 के लिए रेलवे सुरक्षा बल में कांस्टेबल और यहाँ पर सब कांस्टेबल के 46,060 पदों की यहाँ पर भर्ती यहाँ पर रेलवे सुरक्षा बल के तहत आपको यहाँ पर 2024 की अधिकारी सूचना यहाँ पर जारी कर दी गई है। इस वैकेंसी में यहाँ पर रेलवे सुरक्षा बल आपको भर्ती के 2024 में अधिसूचना में 46,060 पदों की यहाँ पर जारी किया गया है। आरपीएफ भर्ती 2024 के तहत कांस्टेबल आप यहाँ पर सब कांस्टेबल एसआई यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर पदों की भर्ती की जाएगी। तो बता दें योग्य और इच्छुक उम्मीदवार हैं या अधिकारी वेबसाइट के माध्यम से आरपीएफ भर्ती 2024 में यहाँ पर देख सकते हैं ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कैसे करोगे बताएंगे आपको वीडियो में। तो आरपीएफ 2024 के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया सीमा लिंक यहाँ पर देख सकते हैं, सीधा लिंक से नीचे आपको देंगे डिस्क्रिप्शन में, आपको वहाँ से कर लेना है। तो आप यहाँ पर आरपीएफ भर्ती 2024 के लिए आपकी उम्र आप 15 अप्रैल से यहाँ पर लास्ट मई तक 14 मई का आरपीएफ 2024 के लिए यहाँ पर पात्रता आयु आवेदन शुल्क सभी जानकारी दी गई। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको संपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको इसको देख सकते हैं, इतने तरीके से आपको भर्ती तो यहाँ पर आपको बता सीधा हैं यहाँ पर सब कांस्टेबल यहाँ भर्ती और लोकल यहाँ पर सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल की यहाँ पर भर्ती 46,000 की पड़ती है। यहाँ पर 46,600 यहाँ पर 4,660 पदों की भर्ती होली क्षमा चाहते हैं। आरपीएफ भर्ती की आपको बता दें भर्ती संगठन आपको रेलवे सुरक्षा बल की तरफ से आरपीएफ भर्ती निकली है यहाँ पर रेलवे सुरक्षा बल की तरफ से। तो यहाँ पर पोस्ट का नाम कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर एसआई यहाँ पर दो तरह से इसमें होने वाली है। विज्ञापन यहाँ पर देख सकते हैं सीएन नंबर आरपीएफ आपको 1 तारीख 2024 और आरपीएफ यहाँ पर नंबर आरपीएफ 2 तारीख यहाँ पर 2024 के विज्ञापन जारी किया गया है। तो रिक्त पद यहाँ पर 4,660 पद 4,660 पद यहाँ पर। वेतन की बात करें पोस्ट अनुसार आपको वेतन मिलेगा। नौकरी का स्थान यहाँ पर पूरे भारत में यहाँ पर ऑल इंडिया अप्लाई इसमें कर सकते हैं। वर्ग यहाँ पर आपको बता दें प्रतिशत वर्ग आरपीएफ भर्ती 2024 वर्ष की बात कर लेते हैं। तो आवेदन की प्रक्रिया यहाँ पर ऑनलाइन होने वाली है, आवेदन इसमें ऑनलाइन होने की अंतिम तिथि आपको जैसे कि पहले बताते हैं कि 14 मई इसमें आपको आवेदन की अंतिम तिथि रहने वाली है। लास्ट तिथि आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। आधिकारिक वेबसाइट rpfindiarailway.government.in इसका आधिकारिक वेबसाइट है, यहाँ से आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। आगे बताएंगे कि कैसे आप इसमें अप्लाई कर सकोगे। तब देख सकते हैं आरपीएफ भर्ती के लिए आपको देख सकते हैं यहाँ पर, उसके बाद रिक्त विवरण तो आपको बताते हैं यहाँ पर 4600 आरपीएफ 2024 का अधिकारी सूचना यहाँ पर जारी कर दी है रेलवे सुरक्षा बल की तरफ से। यहाँ पर मैं कांस्टेबल यहाँ पर 4,208 की भर्ती यहाँ पर सब इंस्पेक्टर 452 पद के यहाँ पर भर्ती रखी गई है। यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन की आखिरी तिथि 14 मई इसमें इस भर्ती में रखी गई है। तो आपको बता दें यहाँ पर पोस्ट का नाम और यहाँ पर रिक्त पद। तो आपको सबसे पहले आपको यहाँ पर सी पोस्ट का नाम रिक्त पद सिपाही की भर्ती है पर 4,208 पद यहाँ पर अवर्ग यहाँ पर निरीक्षक के लिए आपको सभी इंस्पेक्टर 452 पद इसमें रखा गया है। तो इसके बाद आपको बता दें यहाँ पर आरपीएफ भर्ती 2024 की महत्वपूर्ण तिथियाँ आपको दिनांक के बारे में आपको बता देते हैं। तो आरपीएफ भर्ती 2024 में यहाँ पर कांस्टेबल और सब कांस्टेबल भर्ती के लिए आवेदन तारीख यहाँ पर जारी कर दी गई है। अधिसूचना के अनुसार यहाँ पर 15 अप्रैल को यहाँ पर अप्रैल हो यहाँ पर हो चुका है। यहाँ पर आरपीएफ ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है 15 अप्रैल से। अधिकारी घोषणाएं पर तुरंत अपडेट होने के लिए आरपीएफ भर्ती 2024 के लिए पूरी सूची यहाँ पर बन चुके हैं, पर हो चुके हैं, यहाँ पर अप्लाई आप कर सकते हैं। आरपीएफ भर्ती 2024 की महत्वपूर्ण तिथियाँ जैसे कि आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले आपको आयोजन यहाँ पर देख सकते हैं, उसके बाद आपको आरक्षण भर्ती यहाँ पर आरपीएफ यहाँ पर 2 मार्च से यहाँ पर विज्ञापन जारी हो चुका है। आरपीएफ भर्ती अधिसूचना यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत 15 अप्रैल को यहाँ पर कर दिया गया है। आखिरी डेट आपको मारे तो यहाँ पर 14 अप्रैल को यहाँ पर देख सकते हैं। शुल्क के बारे में वो आगे बताएंगे आपको इसके बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको इसको छोड़ देते हैं, यहाँ पर अभी कुछ भी जानकारी नहीं देंगे। शुल्क का भुगतान कैसे करोगे आपको आपको वर्ग के हिसाब से आपको इसमें शुल्क रखे गए हैं। आज यहाँ पर देख सकते हैं तिथि अभी तक आप परीक्षक तिथि नहीं आए हैं। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर आरपीएफ भर्ती जो आवेदन की शुल्क
शुल्क क्या होगी, तो आपको सभी RPF भर्ती 2024 के लिए परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार को आवेदन शुल्क की यहाँ पर आवश्यकता को पूरा करना होगा। ऐसा करने पर, ऐसा नहीं करोगे तो आपका जो फॉर्म है वहाँ अप्लाई नहीं होगा, अधूरा हो जाएगा। सामान्य OBC श्रेणी उम्मीदवार के लिए यहाँ पर रुपये का भुगतान करना होगा, जैसे कि आपको 500 रुपये, जबकि यहाँ पर SC ST महिलाओं, यहाँ पर पूर्व केंद्र प्रदेश सर्विस मैन EC BC यहाँ पर श्रेणी के उम्मीदवार को यहाँ पर दे सकते हैं, को यहाँ पर रुपये का भुगतान करना होगा। आवेदन शुल्क के रूप में वो है आपका 250 रुपये, यहाँ पर आपको भुगतान करना होगा। यहाँ पर दे सकते हैं वर्ग, अब थोड़े से और बता देते हैं वर्ग में और यहाँ पर फीस में। यहाँ पर OBC जनरल का 500 रुपये का, ST SC यहाँ पर महिलाओं यहाँ पर दे सकते हैं, अल्पसंख्यक सबका यहाँ पर दे सकते हैं 250 रुपये इसमें लगने वाला है। तो भुगतान की प्रक्रिया इसमें ऑनलाइन होगा, यहाँ पर किसी तरह से आप ऑनलाइन कर सकते हो। RPF भर्ती 2024 में पात्रता कौन रखते हैं, मापदंड इसका क्या है? तो RPF भर्ती 2024 के लिए यहाँ पर पात्रता, यहाँ पर देश में मापदंड के विभिन्न पहलुओं को यहाँ पर शामिल इसमें इस भर्ती के तहत किया गया है। RPF भर्ती के लिए पहलू को यहाँ पर शामिल किया गया है यहाँ पर, ताकि यहाँ सुनिश्चित किया जा सके कि उम्मीदवार आवश्यक यहाँ पर आवश्यकताओं के पूरा कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आधिकारिक सूचनाओं के में बताया गया है कि आवेदन को निर्दिष्ट आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता, अन्य शर्तों का पालन करना होगा। आमतौर पर उम्मीदवार को आयु मापदंड को पूरा करने के लिए आपको आवश्यक होती है, जो कि यहाँ पर दे सकते हैं आपको कम से कम 18 वर्ष और 25 वर्ष इसमें बीच होनी चाहिए होती है। हालांकि इस विभिन्न श्रेणी के लिए भिन्न मौजूद हो सकती है। नंबर शैक्षणिक योग्यता में आमतौर पर न्यूनतम हाई स्कूल डिप्लोमा समक्ष शामिल होता है। विशिष्ट आवश्यकता आवेदन के लिए हम बता दें पद के आधार पर यहाँ पर भिन्न होती है। इसके अतिरिक्त उम्मीदवार को 2024 में आपको बता दें यहाँ पर में भर्ती के लिए RPF के लिए पात्र माने के लिए रेलवे सुरक्षा बल के निर्धारित किसी भी शर्तों को पूरा करना अनिवार्य है। आपको इसको कंडीशन को आपको फॉलो करना ही होगा। यहाँ पर RPF भर्ती 2024 में आयु सीमा क्या रखी गई है, तो यहाँ पर RPF भर्ती यहाँ पर देख सकते हैं 2024 में कांस्टेबल पद के लिए आपको 18 वर्ष से 28 वर्ष रखी गई है। वहीं आपके साथ सब इंस्पेक्टर पद के लिए आपको बता दें यहाँ पर सब इंस्पेक्टर 20 से 28 वर्ष रखी गई है। इस भर्ती में आयु की गणना 1 जुलाई 2024 के आधार पर इसमें मानी जाएगी इस गणना का। तो यहाँ पर इसके अलावा OCB यहाँ पर देख सकते हैं, ST SC यहाँ पर आश्रित वर्गों के यहाँ पर देख सकते हैं, उनके यहाँ पर सरकारी के जो भी नियम होंगे उनके अनुसार आपको इसमें अधिकतम छूट यहाँ पर दिया जाएगा आयु सीमा में। RPF भर्ती 2024 शैक्षणिक योग्यता के अनुसार, तो यहाँ पर कांस्टेबल आपको बता दें यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर न्यूनतम आयु रखी गई है वो 28 से अधिकतम न्यूनतम 17, उसके बाद 28, अब सब इंस्पेक्टर के 20 और 28 यहाँ पर रखी गई है। सब इंस्पेक्टर के लिए न्यूनतम 20 और अधिकतम यहाँ पर 28 वर्ष रखी गई है। यहाँ पर देख सकते हैं कांस्टेबल RPF कांस्टेबल और SI यहाँ पर सब इंस्पेक्टर के आयु में छूट क्या मिलने वाली है, तो सब इंस्पेक्टर सबसे पहले आपको बता दें यहाँ पर मेरे कॉल कट के चेक कर लेता हूँ पहले यहाँ पर RPF यहाँ पर देख सकते हैं कांस्टेबल और यहाँ पर SI के लिए यहाँ पर छूट की बात करें तो वर्ग में आप देख सकते हैं SC ST के लिए 5 साल का छूट, अन्य वर्गों के लिए अन्य पिछड़ों के लिए तब 300 यहाँ पर 3 वर्ष छूट देखने को मिलेगा। वे अभ्यर्थी जो यहाँ पर देख सकते हैं मान्यता 1 जनवरी 1980 से 31 दिसंबर 1979 से अवधि के दौरान केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख जम्मू कश्मीर निवास करते थे, उनके पर इसके अनुसार 5 वर्ष के लिए आपको OBC को 8 वर्ष के, SC ST को यहाँ पर 10 वर्ष की छूट इसमें देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखते हैं केवल SI के पद के लिए यहाँ पर केंद्र सरकार यहाँ पर भूतपूर्व सैनिक अलावा अन्य कर्मचारी जिन्होंने यहाँ पर देख सकते हैं जिसके गणना की तिथि कम से कम यहाँ पर 3 वर्ष के निमित्त और यहाँ पर आपको बता दें यहाँ पर जिन्होंने गणना की तिथि पर कम से कम 3 वर्ष के निमित्त और निरंतर सेवा प्रदान की है, तो आप देख सकते हैं इसमें आपको देख सकते हैं URELW यहाँ पर देख सकते हैं 5 वर्ष, OBC को 8 वर्ष, SC ST वाले को 10 वर्ष यहाँ पर छूट मिलेगा। तो इसके बाद आपको देख सकते हैं विधवाएं यहाँ पर तालुक सदो यहाँ पर महिलाओं और महिलाओं को यहाँ पर देख सकते हैं न्यायिक रूप में पतियों को यहाँ पर अलग हो गई है, लेकिन पूरा नहीं हुआ तो यहाँ पर URELW का 2 वर्ष के, OBC वालों को 5 वर्ष, ST ST वालों के यहाँ पर SC ST वालों के 5-7 वर्ष के छूट यहाँ पर मिलने वाली है। तो RPF भर्ती 2024 के लिए आप देख सकते हैं शैक्षणिक योग्यता आपको क्या उत्तीर्ण पास यहाँ पर RPF भर्ती के लिए उम्मीदवार को 10वीं के परीक्षा उत्तीर्ण करना है, जबकि सब इंस्पेक्टर के लिए किसी मान्य पर स्नातक होना चाहिए सब इंस्पेक्टर के लिए और RPF के लिए 10वीं पास आपका मंगा गया है। तो RPF शैक्षणिक योग्यता चार्ट के हिसाब से आपको बता देते हैं, तो पद और यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता दोनों के बारे में आपको बता देंगे। यहाँ पर देख सकते हैं अवर्णीय अक्षर के बारे में, यहाँ पर देख सकते हैं
उम्मीदवार को यहाँ पर किसी मान्य विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री आवश्यक है, जो भी यहाँ एसआई के लिए यहाँ पर भर्ती करने वाली है। इस योजना के पद के यहाँ पर आधार विशिष्ट शैक्षणिक योग्यता भिन्न हो सकती है। उसके बाद आपको आरपीएफ सिपाही के लिए क्या लगने वाली है, तो यहाँ पर आरपीएफ यहाँ पर सिपाही के लिए उम्मीदवार को किसी मान्य से संस्था से कम से कम 10वीं पास उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। इसमें 10वीं पास के लिए आप आरपीएफ में भर्ती हो सकते हो। यहाँ पर देख सकते हैं आरपीएफ भर्ती के चयन की प्रक्रिया क्या होने वाली है, तो आपको इसकी प्रक्रिया के बारे में आपको बता देते हैं। तो आरपीएफ भर्ती जो है उम्मीदवार को चयन की प्रक्रिया ऑनलाइन कंप्यूटर आधारित परीक्षण, शारीरिक परीक्षण, दस्तावेज सत्यापन और मेडिकल के आधार पर किया जाएगा। आरपीएफ रेलवे सुरक्षा बल 2024 में आपको बता दें चयन की प्रक्रिया उपयुक्त उम्मीदवार को यहाँ पर चयन की आपको बता दें सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किए गए कई चरण यहाँ पर शामिल हैं। इसमें आमतौर पर आपको चरण के हिसाब से आपको स्टेप बाय स्टेप पहला चरण, जैसे कि आपको पहले चरण में आपको रखा गया है पर चरण पहले में आपको बता दें यहाँ पर कंप्यूटर आधारित परीक्षण है आपको CBT रेलवे यहाँ पर देख सकते हैं, रेलवे भर्ती बोर्ड के यहाँ पर RCB यहाँ पर देख सकते हैं, RRB के यहाँ पर चरण में आपको पहला जागरूकता अगणित यहाँ पर बुद्धि यहाँ पर देश विषयों के यहाँ पर ज्ञान मूल्यांकन शामिल है पहला चरण में। दूसरा चरण में आप साक्षरिक दक्षता में आपको बता दें तब PIT के रेलवे सुरक्षा बल में RPF के द्वारा आयोजित सफल CBT उम्मीदवार के दौड़ यहाँ पर ऊंची कूद लंबी कूद यहाँ पर जैसे कार्यों का गुजरना पड़ता है। लिंग के आधार पर यहाँ पर अलग अलग इसमें मापदंड रखा गया है, मानक इसमें विभिन्न शामिल हैं। उस तरह तीसरा चरण में यहाँ पर शारीरिक माप परीक्षण होगी, तो उसके साथ RPF द्वारा निगरानी की जाती है। यह चरण सुनिश्चित करता है कि उम्मीदवार विशिष्ट यहाँ पर शारीरिक मानकों को यहाँ पर पूरा करते हैं, शारीरिक ठीक है या नहीं। उसका दस्तावेज में आपको देख सकते हैं उत्तीर्ण होने की परीक्षा में उम्मीदवार को सत्यापन के लिए शैक्षणिक प्रमाण पत्र और पहचान पत्र सहित आवश्यक दस्तावेज में इसमें आपको दस्तावेज सत्यापन में देखे जाते हैं। तो इस तरह से आपका चार चरण से आपको चयन की प्रक्रिया रखी गई है। उसका तो चयन की प्रक्रिया के बाद जस्ट आपको बता देंगे परीक्षा का आपका पैटर्न क्या होने वाला है। तो उम्मीदवार को पास यहाँ पर RCB यहाँ पर हिंदी अंग्रेजी यहाँ पर किसी भी अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के यहाँ पर विकल्प यहाँ पर होगा। उसका तब कोई कंप्यूटर आधारित यहाँ पर देख सकते हैं परीक्षा होगी और यहाँ पर प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे। तो उसके बाद आपको बता दें यहाँ पर 10वीं पास स्तर में कक्षा यहाँ पर होगी परीक्षा। तो आपका 10वीं पास से परीक्षा को प्रत्येक प्रश्न एक अंक होने वाले हैं। परीक्षाओं को एक तिहाई अंक की नेगेटिव मार्किंग होगी। परीक्षा के लिए आपके उम्मीदवार को यहाँ पर कुल समय 90 मिनट के यहाँ पर मिलने वाली है। तो इस तरह से आपको देख सकते हैं अनुभाग यहाँ पर देख निशान प्रश्न पर देख सकते हैं परीक्षा अवधि, तो आपको जो सामान्य ज्ञान के लिए 1550 रहेगा और प्रश्न ही 50 आपका रहने वाला है। अंगणित के लिए 35 निशान रहेंगे, आप पर 35 प्रश्न रहने वाले हैं। उसके बाद आपको सामान्य बुद्धि और तर्क के लिए आपको 35 रहेंगे निशान और प्रश्न आपको 35 होने वाले हैं, जिसमें आपको समय मिलेगा टोटल 90 मिनट का। तो आपको यहाँ पर देख सकते हैं RPF, उसके बाद आपको देखते हैं PIT शारीरिक दक्षता निरीक्षण। आपको यहाँ पे भर्ती के लिए आगे भर्ती के लिए पात्र होने के लिए सभी उम्मीदवार को शारीरिक दक्षता परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। उसके बाद कांस्टेबल पद के लिए भर्ती के लिए आपको देख सकते हैं यहाँ पर भर्ती के लिए वर्ग के हिसाब से यहाँ पर 1600 मीटर दौड़ यहाँ पर आपको पुरुष के आपको 5 मिनट 45 सेकेंड यहाँ पर 1600 मीटर दौड़ यहाँ पर समय यहाँ पर दिया जाएगा। 800 मीटर इस पुरुष वालों का नहीं रहने वाला है। यहाँ पर देखते हैं 800 मीटर इसमें पुरुष का नहीं रहने वाला है। लंबी छलांग की बात करें 14 फीट, उछाल की 4 फीट इसमें रखा गया है। कांस्टेबल महिलाओं के लिए यहाँ पर 1600 मीटर दौड़ नहीं रहेगा, जबकि यहाँ पर 8 मिनट में 40 सेकंड में आपको 800 मीटर दौड़ना है और ऊंची छलांग में आपको 9 फीट आपको करना होगा। उसके बाद आपको 3 फुट आपका होगा उछाल, आपका ऊंची कूद रहने वाला है। सब इंस्पेक्टर के लिए वही आपको बता देते हैं, तो यहाँ पर सब इंस्पेक्टर के लिए महिलाओं का यहाँ पर 1600 मीटर यहाँ पर, हाँ महिलाओं के लिए आपको 1600 मीटर नहीं रहने वाला है, जबकि 800 मीटर को 4 मिनट देने वाला है और 9 फीट आपको ऊंची के तो 3 फीट लंबी कूद सॉरी आपके लिए। उसके बाद आपको यहाँ पर 1600 मीटर दौड़ रहेगा 6 मिनट 30 सेकंड में, यहाँ पर 800 मीटर नहीं रहेगा 12 फीट और ऊंचा 3 फीट। तो यहाँ पर देख सकते हैं उसके बाद आपको बताते हैं RPF शारीरिक मापदंड परीक्षण PMT के बारे में। कांस्टेबल भर्ती के लिए आपको बताते हैं पर देखते हैं शारीरिक दस्तावेज वर्ग पर देख सकते हैं लंबाई सेंटीमीटर में यहाँ पर जैसे छाती के यहाँ पर कितने होने वाली है। तो OBC के बारे में OBC में आपको 165 यहाँ पर हाइट रखा गया है पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए 157, 80 आपका सीना मंग रहा है और फूलों का आपका होने वाला है यहाँ पर 85। ये आपको रखा गया है केवल यहाँ पर महिलाओं या सॉरी पुरुष के लिए, यहाँ पर महिलाओं के लिए नहीं रखा गया है 80 85 फुलाकर। ST का यहाँ पर 160 पुरुष और 152 महिलाओं का यहाँ पर छाती यहाँ पर होगा 76 और 81 फॉलो कर यहाँ पर केवल पुरुष के लिए। यहाँ पर देख सकते हैं गढ़ का गोरखा मराठा डोंगरा यहाँ पर कुंजामली के लिए यहाँ पर सरकार के निश्चित श्रेणियों में 163 और 65
160 महिलाओं का 80 और 85 का सीना होने वाले हैं फूल होकर। तो यहाँ पर चरण की प्रक्रिया, चने की प्रक्रिया के बारे में आपको बता देते हैं, उसके बाद आपको वीडियो को एंड तक देख रहे हैं बस आपको लास्ट। यहाँ पर आरपीए भर्ती जो है 24 के लिए आवेदन की चरण की प्रक्रिया होने वाली है, क्या होने वाले, तो आपको सबसे पहले उन चरण के शामिल होने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको आधिकारिक वेबसाइट यहाँ पर जब देख सकते हैं आपको www.indianrailway.gov.in इसका ऑफिशियल वेबसाइट आपको जाना है। जाने के बाद आप पंजीकरण एक यहाँ पर देख सकते हैं अद्वितीय पंजीकरण आईडी और पासपोर्ट प्राप्त करने के लिए यहाँ पर अपने यहाँ पर मूल विवरण और यहाँ पर संपूर्ण जानकारी को दस्तावेज भर्ती के पोर्टल साइन पर आपको करना है, साइन अप करना है। उसके बाद आपको पहचान पंजीकृत क्रेडेंशियल यहाँ पर का उपयोग करके लॉग इन यहाँ पर करें और यहाँ पर सटीक यहाँ पर व्यक्तिगत और यहाँ पर शैक्षणिक विवरण के साथ आवेदन पत्र भरना है। तो इसके बाद आपको भरने के बाद आपका आवेदन अपलोड यहाँ पर दस्तावेज अपलोड अपनी तस्वीर साक्षात्कार यहाँ पर हस्ताक्षर प्रमाण पत्र सहित आप दस्तावेज को यहाँ पर स्कैन करके यहाँ पर की करना है, यहाँ पर अपलोड करें। यहाँ पर सुनिश्चित करते हुए एक नीचे विशिष्ट आकार का प्रारूप और दस्तावेज आवश्यकताओं को यहाँ पर पूरा करके करना है। तो यहाँ पर आवेदन का शुल्क भुगतान करना है, डेबिट कार्ड फोनपे किसी तरह से ऑनलाइन यहाँ पर अप्लाई करके भुगतान करके यहाँ पर भर्ती को सुविधाओं का यहाँ पर निर्देश का पालन करना होगा आपको। उसके बाद आपको सबमिट बटन पर सिंपल सा क्लिक करके सटीकता के समीक्षा के यहाँ पर सुनिश्चित हो सकता है। इतना करने के बाद आपका फॉर्म यहाँ पर सबमिट हो जाएगा सक्सेसफुल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बाय बाय दोस्तों।